गुड मॉर्निंग। जैसा मैंने कहा था कि आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक देखते हैं, कुछ दो चार बहुत बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर के। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि एक तो इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम बैंकिंग की बात करें तो 2-3 साल में पीछे देखा गया है कि टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिस पे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पूछने का मतलब होता है कि एक ही चैप्टर से 5 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, है ना। इसके कॉन्टिन्यूएशन में टाइम एंड डिस्टेंस में बेसिकली 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और इसी के साथ साथ 2 और चैप्टर्स हैं, ट्रेन और एंडपोर्ट एंड स्ट्रीम। ट्रेन में भी स्पीड होता है, ट्रेन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ट्रेन को भी कुछ टाइम लगता है, राइट। उसी तरह से बोट एंड स्ट्रीम होता है, बोट का अपना स्पीड होता है, करंट या स्ट्रीम का अपना स्पीड होता है, वो भी कुछ टाइम तक ट्रेवल करता है, वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो बेसिकली टाइम एंड डिस्टेंस का नॉलेज जो है वो हमें 3 चैप्टर्स में हेल्प करता है। टाइम एंड डिस्टेंस एक तो ये, दूसरा ट्रेन और तीसरा बोट एंड स्ट्रीम, राइट। जैसा मैंने कहा इस चैप्टर में मेजरली 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इन्हीं 3 शब्दों का इस्तेमाल इस चैप्टर में होता है। जिसमें इंडिया में स्पीड जो है वो एक रेट है, राइट। और इंडिया में जो स्पीड का प्रेजेंटेशन होता है, स्पीड जिस तरह से बताया जाता है वो होता है किलोमीटर पर आवर, राइट। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया में देखोगे, कभी क्रिकेट मैच देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया में देखोगे वहां पे स्पीड जो है वो बॉलर्स का स्पीड जो है वो माइल्स पर आवर में दिया होता है, राइट। तो वहां पे स्पीड का कैलकुलेशन माइल्स पर आवर में होता है, इंडिया में जो स्पीड का कैलकुलेशन होता है वो किलोमीटर पर आवर में होता है। अब ये जो 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसके लिए फॉर्मूला कुछ दिया जाता है। और मेरे अरिथमेटिक की क्लास की एक खासियत है कि मैं कभी भी फॉर्मूला नहीं पढ़ाता, राइट, क्योंकि एप्टीट्यूड पढ़ना है हम लोगों को, और एप्टीट्यूड एग्जाम भी कहता है कि वो आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट कर रहा है। तो हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आपस में क्या रिलेशनशिप है ये हम समझने की कोशिश करते हैं, इंस्टीड की हम कोई फॉर्मूला रटे, राइट। एक एक करके हम इनका आपस में रिलेशन देखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि मैं 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता हूँ और कोई एक डिस्टेंस है जिसको मैंने 5 घंटे में ट्रेवल किया है, कोई एक डिस्टेंस है जिसको मैंने 5 घंटे में ट्रेवल किया है। तो 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलते हुए अगर कोई डिस्टेंस मैंने 5 घंटे में ट्रेवल किया है, तो जब मैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता हूँ तो 5 घंटे में जो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया होगा वो 200 किलोमीटर का होगा, राइट। अब कहा जाए कि यही डिस्टेंस, ये जो सेम डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करूं, ये सेम डिस्टेंस 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, अब मैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करूं, तो ऑब्वियसली यहाँ जो टाइम लगेगा वो यहाँ से कम रहेगा, राइट, क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ाया है तो टाइम कम रहेगा, राइट। या मैंने अगर यहाँ स्पीड कम किया होता तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे ज्यादा टाइम लगा होता, राइट। इसका मतलब स्पीड जब बढ़ता है तो टाइम कम लगता है, स्पीड जब घटता है तो टाइम ज्यादा लगता है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस के कांस्टेंट रहने पे, डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सेम, जितना पहले था उतना अभी भी है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है उस केस में टाइम और स्पीड का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स रेशियो का होता है, वो इनवर्स रेशियो का होता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो, वो इनवर्स रेशियो का होता है, ठीक है। उसी तरह से मैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता हूं और मैं 5 घंटे चलता हूं, तो उस 5 घंटे में मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होता वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होता, क्योंकि मैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता हूं, वही। अब मैं कहूं कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता हूं और मैं 5 घंटे चलता हूं,
तो अब जो डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा मैं वो पहले से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, राइट। तो टाइम कॉन्स्टेंट है, टाइम कॉन्स्टेंट है, लेकिन स्पीड में चेंज हुआ, और जब स्पीड बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ गया। इसका मतलब कि जब टाइम कॉन्स्टेंट हो, टाइम कॉन्स्टेंट हो, स्लाइट टेक्निकल इशू, वेट, जब टाइम कॉन्स्टेंट हो, जब टाइम कॉन्स्टेंट हो उस केस में जिस रेशियो में स्पीड बदलेगा उसी रेशियो में डिस्टेंस भी बदल जाएगा, राइट। इसका मतलब हम कह सकते हैं जब टाइम कॉन्स्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट, और हमको इससे टाइम स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मान लो कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और हम 5 घंटे चलते हैं, तो हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, राइट। अब हमारे स्पीड 40 किलोमीटर ही पर आवर हो और हम 6 घंटे चलते हैं, तो 6 घंटे चलने का मतलब है कि अब जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे वो 40 × 6 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब है कि जब स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो तो टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ गया, अगर टाइम घटता तो डिस्टेंस भी घट जाता, राइट। तो जब स्पीड कांस्टेंट हो तो टाइम के बढ़ने पे डिस्टेंस भी बढ़ता है, टाइम के घटने पे डिस्टेंस भी घटता है। इसका मतलब टाइम और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इसी में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कहीं कहीं बात होती है सेम डायरेक्शन, दो चीजें, दो गाड़ियां, दो आदमी, तीन आदमी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो जो रिलेटिव स्पीड होता है जिसको सापेक्ष गति भी कहते हैं, जो रिलेटिव स्पीड होता है जो सापेक्ष गति होता है वो डिफरेंस ऑफ स्पीड होता है, राइट। उसी तरह से अगर अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक इधर से इधर जा रहा है, एक इधर से इधर आ रहा है, सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक इधर से इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर से इधर ही जा रहा है, राइट। ये सेम डायरेक्शन का एग्जांपल है, ये अपोजिट डायरेक्शन का एग्जांपल है, राइट। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है वो टोटल ऑफ द स्पीड, टोटल या सम ऑफ द स्पीड होता है, सम ऑफ द स्पीड होता है, राइट। तो सेम और अपोजिट डायरेक्शन का ये नियम है, ठीक है। इसी में कहीं कहीं क्वेश्चंस में हमको स्पीड को चेंज करना होता है,
उसका 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 जो सेम इस पे गाने के लिए सेम मात्रा पे गाने के लिए हमें जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, जरूरत पड़ती है, या मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है, राइट। उस केस में चाहे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, हमें दो नंबर्स याद रखने हैं। कौन कौन से? 18 and 5, ये दो नंबर्स हम लोगों को याद रखने हैं, राइट। कब? जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है मतलब कम करना है, और किसको किसको यूज करके? मैंने कहा दो नंबर्स याद रखने हैं, 18 and 5, तो कम करना है, राइट। किलोमीटर से मीटर में ले जाना है, इसका मतलब कम करना है, तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5 और 18 को यूज करके कम करना है, और जब कम करना होता है तो डिनोमिनेटर बड़ा होता है, राइट। तो 5 और 18 में बड़ा कौन था? 18 बड़ा था, इसलिए डिनोमिनेटर में 18 होगा। सिमिलरली मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, राइट। तो कौन से दो नंबर को यूज करके बदलना है हमें? 18 और 5, और मीटर को किलोमीटर में बदलना है, इसका मतलब बड़ा करना है, और जब बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो 18 और 5 में डिनोमिनेटर छोटा होता है, राइट। तो 18 और 5 में छोटा कौन है? 5 छोटा है, इसलिए डिनोमिनेटर में जो है वो 5 आएगा अगर 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 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो, राइट। तो ये कुछ बेसिक्स है, और इन्हीं बेसिक्स पे जो है वो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, राइट। हम लोग अभी जो 2-4-5 क्वेश्चन देखेंगे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए कि इन बेसिक क्वेश्चंस पे कमांड हो जाए, उसके बाद आगे चल के हम लोग उस तरह के भी क्वेश्चंस देख लेंगे धीरे धीरे बढ़ते हुए, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रियलिटी में पूछे गए, और जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहा हूँ या परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ या अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू किया है, तो इन सभी चैप्टर्स में आप देखिएगा कि शुरुआत अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन से हो गए तो एक समय ऐसा ऐसा आएगा जिसमें हम लोग उस लेवल के क्वेश्चन को हैंडल कर रहे होंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, राइट। और ये तीनों चैप्टर जो है ये काफी लंबा चलने वाला है, डेटा इंटरप्रिटेशन 10-12 सेशन और लूंगा मैं, उसके बाद अभी अगर 3 क्लासेस ले रहा हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस परसेंटेज एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन की जगह मैं कुछ दूसरा एक चैप्टर ऐड करूंगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस या रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस तरह का कोई चैप्टर जो है मैं ऐड करूंगा, राइट। ये इसका बेसिक है। अब ऐसा करते हैं कि इन्हीं बेसिक्स के बेसिस पे जो जो हमने सीखा, लेट अस स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, राइट। A car moves at a speed of 80 km per hour. What is the speed of the car in meters per second? एक गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, राइट। हमसे पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड में इस गाड़ी की चाल क्या होगी, गुड, राइट। अब इसका जो इंफॉर्मेशन है वो हम देखते हैं, राइट, जो क्वेश्चन ने कहा है वो देखते हैं। गाड़ी की चाल जो है, स्पीड ऑफ द कार इज 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि ये गाड़ी एक घंटे में, हर एक घंटे में इसका ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, राइट। इसका इसकी औसत चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है। हमसे पूछ रहा है कि इस गाड़ी का मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगा, राइट। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो हमें दो नंबर याद रखने हैं, 5 and 18, राइट। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर के मीटर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब छोटा करना है, राइट। तो हमें 80 किलोमीटर पर आवर को छोटा करना पड़ेगा, किसको किसको यूज करके? 5 और 18 को यूज करके। तो जब छोटा करना है तो डिनोमिनेटर बड़ा होता है, राइट। तो निकल के आ जाएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि जो गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, वो अगर एक घंटे में 80 किलोमीटर जाती है तो वो गाड़ी एक सेकंड में 200/9 मीटर जाती होगी, राइट। एक सेकंड में 200/9 मीटर जाती होगी। अब बात को यहीं पे हमको कहा जाए कि एक गाड़ी है और उस गाड़ी का स्पीड जो है वो 200/9 मीटर पर सेकंड है, 200/9 मीटर पर सेकंड है, और हमसे कहा जाए कि उस गाड़ी का किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड है वो क्या होगा।
तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, मैंने कहा दो नंबर्स हमको याद रखने हैं, 5 and 18, राइट। तो 200 बनाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, इसका हमको बड़ा करना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, बड़ा करना है, राइट। किसको किसको यूज करके, 5/18 को यूज करके, तो जब बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, राइट। तो 18 और 5 में छोटा कौन है, 5 छोटा है, राइट। तो अगर इसको हम बड़ा कर दें तो निकल क्या आ जाएगा, 42, राइट। 80 किलोमीटर पर आवर जो है उस गाड़ी का किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकल जाएगा। इसका मतलब जिस गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी, उसकी उसका जो मीटर पर सेकंड में स्पीड था वो इतना था, और या जिस गाड़ी की चाल 209 मीटर पर सेकंड थी, उसका किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालना हो तो वो ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है? ओके। Let us move to the next one. An athlete runs 200 meters race in 24 seconds. एक एथलीट है, वो 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है. Find his speed in kilometer per hour. किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल याद करें, right? तो एक एथलीट है, वो 200 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ये 200 मीटर्स का डिस्टेंस वो 24 सेकेंड्स में कवर करता है, राइट। हमसे पूछ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड क्या है, राइट। तो वो आदमी या वो एथलीट अगर 24 सेकेंड में 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा, एक सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा, 25/3 मीटर का डिस्टेंस वो एक सेकेंड में ट्रेवल करता होगा, राइट। और 25/3 मीटर का डिस्टेंस अगर वो एक सेकंड में, हर सेकंड में वो 25/3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब उसका स्पीड जो है वो 25/3 मीटर पर सेकंड का है, राइट। और हमसे पूछ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड निकालना है, तो मैंने कहा था अभी दो नंबर्स याद रखने हैं, 5/18। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब बड़ा करना है, और किसको किसको यूज करके, 5/18 को यूज करके बड़ा करना है। तो जब बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, राइट। तो निकल क्या आ जाएगा, कि उसका जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर का होगा, किलोमीटर पर आवर में जो उसका स्पीड होगा। क्लियर? लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man crosses a 600 meter long street in 5 minutes. Find his speed in kilometer per hour. एक आदमी 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में तय करता है, राइट। हमसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड क्या है, राइट। अब इस क्वेश्चन का डेटा क्या है कि एक आदमी है, वो 5 मिनट में 600 मीटर जाता है। एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर जाता है। हमसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड क्या है, ठीक है। तो एक घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, तो एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 5 मिनट में अगर 600 मीटर जाता है तो हम निकाल सकते हैं ना कि वो 60 मिनट में कितना मीटर जाता होगा, राइट। तो 600 मीटर से ज्यादा जाता होगा, राइट। 600 को हम बड़ा कर दें तो निकल के आ जाएगा कि 60 मिनट में या एक घंटे में वो 7200 मीटर जाता होगा। हमें निकालना था किलोमीटर पर आवर तो निकाल दिया हमने कि पर आवर वो 7200 मीटर जाता होगा, लेकिन निकालना क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग देना होता है। तो अगर हम इसको 1000 से भाग दे दें तो निकल के आ जाएगा कि वो एक मिनट उसका जो किलोमीटर पर आवर स्पीड है वो 7.2 किलोमीटर पर आवर का होगा। वो 7.2 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय कर सकता है, राइट। ये इसको हम ऐसे देखें, ये एक तरीका था। दूसरा है कि 5 मिनट में एक सेकंड, एक मिनट में कितना सेकंड होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 5 सेकंड में 300 सेकंड होते होंगे, राइट। 5 मिनट में 300 सेकंड होगा, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड। तो इसका मतलब है कि वो 300 सेकंड में
600 मीटर जाता है, तो जब वो 300 सेकंड में 600 मीटर जाता है, इसका मतलब कि वो एक सेकंड में 2 मीटर जाता होगा। एक सेकंड में 2 मीटर जाता होगा, तो एक सेकंड में 2 मीटर जाने का मतलब है कि उसका जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड का है। ये उसका स्पीड है भाई, और उसका स्पीड जब 2 मीटर पर सेकंड का है, हमसे पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो निकल के आ जाएगा कि किलोमीटर पर आवर में जो उसका स्पीड होगा वो 7.2 किलोमीटर पर आवर का होगा। A man walking at the rate of 5 km crosses a bridge in 15 minutes. Find the length of the bridge in meters. Right. एक आदमी है, वो चल रहा है, और वो किस रफ्तार से चल रहा है? 5 km per hour के स्पीड से चल रहा है। 5 km per hour के स्पीड से चलते हुए एक ब्रिज है, एक ब्रिज है, उसको क्रॉस करने में, यहां से यहां आने में उसको 15 मिनट का टाइम लग जाता है। Right. हमसे पूछ रहा है कि उस ब्रिज का लेंथ क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग, कि उस आदमी की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस आदमी का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, राइट, और वो किसी ब्रिज को 15 मिनट में क्रॉस करता है। तो 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि वो 60 मिनट में 5000 मीटर जाता है, और हम मीटर पे इसलिए आ गए क्योंकि हमसे डिस्टेंस ही मीटर में पूछा गया। 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 5 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 मीटर होगा, 1 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट होगा, तो 60 मिनट में वो 5000 मीटर जा सकता है, और ब्रिज को क्रॉस करने में उसको 15 मिनट का टाइम लगता है। तो ये जो 15 मिनट वो चला, इस 15 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? इस 15 मिनट में उसने 1250 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा भाई, और ये डिस्टेंस उसने क्यों ट्रेवल किया? क्योंकि वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। ये 15 मिनट चला था वो ब्रिज यहां से चलना शुरू किया ब्रिज पे और यहां पहुंचा 15 मिनट में, तो इस 15 मिनट में वो कितना चला होगा? 1250 मीटर, और जितना भी वो चला होगा वही लेंथ ऑफ द ब्रिज होगा भाई। तो हमसे लेंथ ऑफ द ब्रिज पूछा गया है, इसका मतलब ब्रिज का जो लेंथ होगा वो 1250 मीटर का होगा। Next question. How long will a boy take to run around a square field of side 35 meters if he runs at a speed of 9 km per hour? एक लड़का है, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, right? और उस लड़के को एक स्क्वायर फील्ड को क्रॉस करना है, राइट, जिसका एक साइड जो है वो 35 मीटर का है। हमसे पूछ रहा है कि उसको कितना टाइम लगेगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक लड़का है जिसका स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। 9 किलोमीटर पर आवर है, और उस लड़के को एक स्क्वायर फील्ड को क्रॉस करना है। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर यही होता है जिसका ये साइड सब साइड बराबर हो। तो इसको पूरा इसको घूम जाना है। तो यहां अगर एक एक तरफ अगर 35 मीटर है तो ये भी 35 मीटर होगा, ये भी 35 मीटर होगा, और ये भी 35 मीटर होगा। तो इसका मतलब इसको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उस लड़के को? 140 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, राइट। अब उस लड़के की चाल क्या है? उस लड़के की चाल जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट। तो यहाँ डिस्टेंस मीटर में है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हमको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। किलोमीटर को मीटर में ले जाना है, इसका हमको छोटा करना है, किसको यूज करके? 5/18 को यूज करके। तो निकल के आ जाएगा कि मीटर पर सेकंड में जो उसकी चाल है वो 2.5 मीटर पर सेकंड है, राइट। वो 2.5 मीटर का डिस्टेंस एक सेकंड में ट्रेवल कर सकता है, और उसको डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना है? 140 मीटर। तो जो जो लड़का 2.5 मीटर का डिस्टेंस एक सेकंड में ट्रेवल कर सकता है
उसको 140 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, हम निकाल सकते हैं कि उसको जो है वो 56 मिनट्स का टाइम लगेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में। क्लियर भैया? ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A car is running at a speed of 108 km per hour. एक गाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है. What distance will it cover in 15 seconds? कितनी दूरी वो 15 मिनट में, 15 सेकंड में तय करेगी. Right. तो अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक गाड़ी है जिसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटे है, सॉरी 108 किलोमीटर प्रति घंटे है. हमसे पूछ रहा है कि 15 सेकंड में वो गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी. तो यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको कुछ सेकंड में ट्रेवल करना है. तो हम ऐसा करते हैं कि इस किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा. राइट. इसका मतलब है मीटर पर सेकंड में जो उसका स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड का है. राइट. 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड होने का मतलब है कि वो गाड़ी या वो आदमी जो भी है वो एक सेकंड में 30 मीटर जा सकता है. तो जब वो एक सेकंड में 30 मीटर जा सकता है और उसको जाना कितना है 15 सेकंड, तो जब वो एक सेकंड में 30 मीटर जा सकता है तो 15 सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 450 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. इसका मतलब जिस गाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटे हो वो 15 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 450 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. राइट. आज के लिए इतना ही, छोटा सा सेशन. कल हमको फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ टाइम एंड डिस्टेंस के. राइट. वैसे परसेंटेज और डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आज अभी अपलोड होगा थोड़ी देर में. ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं भाई साहब.